क्या ये चालान कुछ खास स्पेसिफिक लोगों को हिट कर रहे हैं या सबके लिए एक जैसा कानून? बहुत से लोगों का ख्याल है कि नंबर प्लेट पे कोई ब्लैक पेपर लगा दे तो कैमरा चालान नहीं पकड़ता। क्या कोई मखसूस लोग सड़क पर बैठे छुप के देख रहे होते हैं कि कौन शख्स कानून चेकिंग कर रहा है? कोई ऐसा स्टाफ नहीं है जो फील्ड में डिप्लॉयड है जो उनकी प्रॉपर कैप्चरिंग कर रहा हो। ये एक तरह का एविडेंस आपको दिया जाता है जहाँ से आप अपने वायलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबैर शारिक, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम में से जब कोई ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको ई चलान की सूरत में जुर्माना अदा करना पड़ता है। ई चलान के जरा की वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई बल्कि उसके साथ साथ हादसात में खातिर ख्वाह कमी देखने को मिली। ई चलान का इजरा कैसे होता है, कैमरा चलान कैसे करता है और ये चलान कानून शिकन लोगों तक कैसे पहुंचता है, ये तमाम की तमाम बातें आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे। और इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रैफिक पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी मुश्कात अंजुम साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ई चलान है क्या? क्या कोई मखसूस लोग सड़क पर बैठे छुप के देख रहे होते हैं कि कौन शख्स कानून चेकिंग कर रहा है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। ई चलान बेसिकली हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ई चलान के हवाले से, जिसमें बेसिकली हमारे कैमराज डिफरेंट लोकेशन पर लगे हुए हैं। ये स्पेशलाइज कैमराज हैं जो कि डिफरेंट लोकेशन पे ऑल ओवर द लाहौर लगे हुए हैं, जिनकी मदद से ट्रैफिक वायलेशन, जिसमें आपकी रेड लाइट वायलेशन आ जाती है, ओवर स्पीड की वायलेशन आ जाती है, लेन लाइन की वायलेशन आ जाती है, ये कैमरा हमें वायलेशन कैप्चर करके हमारे सिस्टम में भेजता है और जिसकी मदद से हम आगे लोगों को चलान इशू करते हैं। एनपीआर कैमरास क्या काम करते हैं? क्या इसके लिए कोई खसूसी स्टाफ बिठाया हुआ है जिनको मॉनिटर कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो हमारे कैमराज हैं जो लोकेशन पे लगे हुए हैं, बेसिकली ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमराज हैं ये। इनका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि ये आपकी वायलेशन को कैप्चर करते हैं, यहाँ पे सिस्टम में भेजते हैं। ठीक है, कोई ऐसा स्टाफ नहीं है जो फील्ड में डिप्लॉयड है जो उनकी प्रॉपर कैप्चरिंग कर रहा हो या उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा हो कि आपने इस गाड़ी को कैप्चर करना है, इसको नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी गाड़ी आपकी वायलेशन करती है, आइदर इट इज़ मोटर बाइक, कार या जो भी है, ये उसकी स्नैप लेता है, हमारे सिस्टम में भेजता है। यहाँ पे लोग, क्योंकि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें टेक्निकल एरर भी हो सकते हैं, यहाँ पे लोग उस वायलेशन को वेरीफाई करते हैं आगे प्रिंट करने से पहले, और वो उसके बाद आपके आगे सेंड हो जाती हैं वायलेटर के साथ। क्या ये जो कैमराज हैं ये लाहौर के कुछ मखसूस मकाम पर लगे हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे लाहौर को कवर कर रहे हैं। आप जब भी किसी भी इशारे से गुजरेंगे, सही, ये आप उसकी वायलेशन करेंगे तो आपको चलान इशू हो जाएगा। इसी तरह अगर कहीं पे इशारे नहीं लगे हुए, लाइक आपकी सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं, वहाँ पे हमारे स्पीड कैम्स लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ओवर स्पीडिंग की वजह से बेतहाशा एक्सीडेंट होते हैं, उनको इनकाउंटर करने के लिए हमने स्पीड कैमराज लगाए हुए हैं जो कि आपकी स्पीड को मॉनिटर करते हैं और उस वहाँ पे हमारी स्पीड की आपकी वायलेशन जाती है। क्या ये चलान कुछ खास स्पेसिफिक लोगों को हिट कर रहे हैं या सबके लिए एक जैसा कानून? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये एक लोगों में परसेप्शन बनी हुई है कि आप मतलब कि हमें चलान भेजते जा रहे हैं। अक्सर हमें ईमेल्स भी मौसूल होती हैं ETC पे, वो लोग कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा वायलेशन की, दो दफ़ा की, 15 दफ़ा, मैं कैसे वायलेशन कर सकता हूँ? ठीक है, एविडेंस भी उनके सामने होता है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कैमरा है, उसको नहीं पता कि ये किस गाड़ी का चलान है, उसने बेसिकली वायलेशन कैप्चर करनी है, वो चाहे सरकारी गाड़ी हो, चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो। मेरी अपनी गाड़ी के मतलब 3-4 चलान हो चुके हैं और मैं पे कर चुका हूँ। ये कैसे पता चलेगा ये गाड़ी किसकी मलकियत है? एक्साइज जो हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है उसी के ऊपर हमने चलान डिलीवर करने हैं। सही। अब वो लोगों के, क्योंकि अपने नाम एक तो ट्रांसफ़र नहीं करवाई, इसकी वजह से उनको चलान का पता नहीं चलता। अब हमने ये किया है कि जिस तरह गाड़ी आपके पास है, आपने बेशक ट्रांसफ़र नहीं करवाई, अगर आपने चेक करना है कि आपके पास पेंडिंग कितने चलान हैं, आप हमारी ईमेल एड्रेस ETCLHR उस पर भी क्वेरी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप 8815 पे अपनी गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर मैसेज करके चेक कर सकते हैं। थर्ड वन, अगर आप ऑनलाइन हमारी जो वेब पोर्टल है ई चलान का, वहाँ पर भी जाके आप अपना चेक कर सकते हैं। रिसेंटली हमने SMS कम्पेन भी स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों को जैसे ही वायलेशन होती है उनको उनके मैसेज चला जाता है कि आपने ये वायलेशन की है। अगर आपके नाम गाड़ी ही नहीं है, आपने एक्साइज में क्रेडेंशियल अपने सही नहीं दिए, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप अगर अपने क्रेडेंशियल एक्साइज में अपग्रेड करवा लेंगे तो आपको विद इन अ टाइम पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू।
इस वक्त मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं सुपरवाइजर ETC नेमत साहब। आइए इनसे ई चलान के हवाले से बात करते हैं। किन किन वॉयलेशन पर जो है वो ई चलान होता है? 5 वॉयलेशन के हवाले से हम ई चलान इशू करते हैं। एक है ट्रैफिक सिग्नल वॉयलेशन, सेकेंड नंबर पर लेन लाइन वॉयलेशन, रॉन्ग टर्न रॉन्ग लेन वॉयलेशन, ओवर स्पीड वॉयलेशन और वन वे वॉयलेशन। ऐसी कौन सी सिचुएशन हैं जिनमें ई चलान पर रिलैक्सेशन दी जाती है? ऐसी सिचुएशन में जैसे कि आपके बैग पीछे कोई इमरजेंसी व्हीकल आ जाए, लाइक एम्बुलेंस आ जाए, कोई पुलिस व्हीकल आ जाए, कोई फायर ब्रिगेड आ जाए और उसको रास्ता चाहिए हो, तो आप जो है अपनी गाड़ी को साइड पे कर मतलब लेन लाइन की वायलेशन आपको अलाउ है, आप उसको स्टॉप लाइन से आगे ले जाकर आप जो है उसको रास्ता दे सकते हैं। इसके अलावा कोई जो मौके पर मौजूद है कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हो, अगर वो आपको कोई इशारा करता है, आपको कहता है कि आप जो है वो सिग्नल क्रॉस कर लें, तब भी आपने उसका जो है वो उस बात पे अमल करते हुए आप जो है वो सिग्नल वायलेशन भी कर सकते हैं। इन ये वो सूरत हाल हैं जिन पे आपको रिलैक्सेशन मिलती है। एक दफ़ा जब चलान बन जाता है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो इसको वेरीफाई करते हैं, हर एंगल से वेरीफाई करते हैं, उसकी ओनरशिप डिटेल को वेरीफाई करते हैं, उसकी इमेजेस जो कैमरे ने कैप्चर की होती है उसको वेरीफाई करते हैं एज़ पर एक्साइज रिकॉर्ड, क्योंकि हमारा सिस्टम कनेक्टेड है एक्साइज के साथ, करेक्ट होती है इन्फॉर्मेशन देन वो उसको वैलिड कर देते हैं और वो प्रिंटिंग क्यू में जाता है, फिर प्रिंट होकर जो है आपके होम एड्रेस में वो हम डिलीवर करवा देते हैं। लोगों को ये भी शिकायत है कि उनको ई चलान मौसूल नहीं होता या गलत मौसूल होता है, इस पर क्या किया जाता है? देखें जी, अगर तो मिलता नहीं है तो उसमें ऐसा होता है जो हमारे सामने जो इस तरह की क्यूरीज जो हमारे पास आती भी रहती हैं, इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि गाड़ी जो है ना वो सेल हो गई होती है और उसका रिकॉर्ड जो है ना वो अपडेट नहीं करवाया गया जाता, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है सेलर और बायर की, खासतौर पर बायर की, कि वो उसको जैसे ही अगर कोई गाड़ी किसी से कोई यूज्ड कार वो अगर परचेज़ करता है तो उसे चाहिए कि वो एक्साइज में भी अपने आपको ओनरशिप अपनी चेंज करवाए, उसको ऑन करे। अगर किसी शख्स को ये लग रहा है कि उसका चलान गलत हुआ है तो वो सेफ सिटी अथॉरिटी से कैसे रब्ता कर सकता है? उसके मुख्तलिफ चैनल हैं, एक जो सबसे जो हम जिसको डील करते हैं डायरेक्टली डील करते हैं वो क्यूरीज हैं, हमें ईमेल के थ्रू मसूल हो जाती हैं, एक ईमेल एड्रेस हमने जो कि प्रिंटिंग में भी जो प्रिंट भी हमने किया हुआ है ई चलान में ETCLHR@PSCA.GOP.PK, आपने क्लेम किया अगर वो मतलब वैलिड है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना हमारी जो टीम है वो डिसीजन लेती है। घर बैठे ई चलान के बारे में मालूमात कैसे हासिल की जा सकती है? आप अपने 15 पे कॉल करके पता कर सकते हैं अनपेड चलान के हवाले से शॉर्ट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। इसके अलावा आप एक SMS सर्विसेज है 8815 पे, उस पर आप जस्ट अपने कार का चेसी नंबर लिखें, आपको शो हो जाएंगे कितने आपके अनपेड चलान है, और जैसे कि मैंने पहले आपको एक ईमेल एड्रेस बताया ETCLHR@PSCA.GOP.PK, वहाँ पे भी आप जो है अपनी क्यूरी आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं ई चलान के हवाले से, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। आप ई चलान की पेमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से ज़राए मौजूद हैं? आप बैंक में भी उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं, बैंक ऑफ पंजाब है जैसे कि नेशनल बैंक है, उसकी आप एनी ब्रांच किसी भी ब्रांच में जाके आप उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं, और जैसे कि सिचुएशन में आपको पता है कि कोविड का भी जो चल रहा है हमने ऑनलाइन फैसिलिटी भी दी हुई है, आप घर बैठे जैसे उसको आप पे कर सकते हैं अपनी बैंक एप्लीकेशन के थ्रू, ईजी पैसा जैस कैश के थ्रू जो है ई चलान की पेमेंट पॉसिबल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बड़ी स्क्रीन है और उस पर ई चलान का फॉर्मेट डिस्प्ले हुआ हुआ है। आइए सुपरवाइजर नेमत साहब से पूछते हैं कि इस फॉर्मेट का क्या मतलब है। जी नेमत साहब, बताइए कि इस फॉर्मेट का क्या मतलब है और ये किस तरह से जो है वो वॉयलेशन डिस्क्राइब हो रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए जी, ई चलान फॉर्मेट में जो है ये इसमें ओनरशिप की डिटेल आ जाती है जो एक्साइज से हम लोग फैच करते हैं, ठीक, वहाँ पर ओनर का नाम आ जाता है, ओनर का एड्रेस आ जाता है, ठीक है, इसके अलावा उसका कार की टाइप आ जाती है, कौन सी कार है, उसका कलर क्या है, उसका चेसी नंबर, उसका इंजन नंबर, इस तरह की एक्साइज से रिलेटेड डिटेल आ जाती है, ठीक है। ऊपर ये सबसे ऊपर वाले कॉलम जो आप देख रहे हैं बॉक्स, इसके अंदर हमारा अपना टिकट नंबर हमारे ऑफिस के हवाले से आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आता है गाड़ी का, टिकट नंबर आता है, फिर एक इस बॉक्स में आप देखें यहाँ पर आप पेमेंट आपने कब तक आपका ड्यू है, ड्यू डेट क्या आपके इस चलान को पे करने की, वो आ जाती है। फिर आप नीचे थोड़ा सा ये भी एक आप देखेंगे टेबल है, इसके अंदर आपका ये भी डिटेल आ जाती है कितने आपके अनपेड चलान है, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको चलान मसूल हुआ कि उससे पहले भी कोई आपके अनपेड चलान है, ये भी आप इससे आपको पता लगता है। इशूइंग डेट आ जाती है कि वायलेशन की क्यों किस डेट ये इशू है, किस दिन कैप्चरिंग है, और ये आप देखेंगे कि ये 4 इमेजेस आपके सामने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह का एविडेंस आपको दिया जाता है जहाँ से आप अपने वायलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप फर्स्ट इमेज जैसे कि इसकी मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, आप ये देखें ये रेड, ये चलान है ट्रैफिक लाइट वायलेशन का, जी रेड लाइट अगर आप क्रॉस करते हैं तो इस तरह का आपको चलान मसूल होता है। जी जी। उसमें 4 इमेजेस आपको मिलती हैं, सबसे पहले जो है उसमें आप देखेंगे कि कार जो है ये सिग्नल रेड है, ठीक है, कार जो है वो स्टॉप लाइन से पीछे है, कार को इधर रुक जाना चाहिए था, तो अगर वो ये इसको फॉलो करते तो उनकी वायलेशन ना बनती, लेकिन उन्होंने रेड सिग्नल पर कार को आगे मूव किया, मूव करते करते उन्होंने स्टॉप लाइन क्रॉस कर ली, जब
तो हमारे कैमरे ने वर्क करना शुरू कर दिया, उसकी कैप्शन शुरू कर दिया। सेकंड इमेज में आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा मूव कर गई, यहाँ पे पीछे है स्टॉप लाइन, थोड़ा आगे। थर्ड में आप देखेंगे वो इंटरसेक्शन जो है वो ही क्रॉस कर चुके हैं, ये जो कार है, ठीक है, सिग्नल स्टिल रेड है, यानी कि रेड सिग्नल पे वो यहाँ पे जो है, ये फर्स्ट उनकी मूवमेंट थी, सेकंड में थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर गए, और थर्ड में आप देखेंगे आप इंटरसेक्शन क्रॉस कर गए, रेड सिग्नल रेड ही था, अभी ग्रीन नहीं हुआ। तो यहाँ से आपको इन तीन इमेज से तो ये वेरीफाई हो जाता है कि आपने वायलेशन की है। और फोर्थ इमेज में हम लोग, जैसे कि हमने पहले बताया कि आप अपनी गाड़ी को वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें हम जूम कर देते हैं नंबर प्लेट पे और कार पे, जहाँ से आप अपनी कार की टाइप और उसका नंबर आप रीड कर सकते हैं कि ये आपकी ही कार है, आपको वेरीफाई हो जाता है वहाँ से कि ये आपके से ही आपकी कार का ही चलान है। हमारे साथ ETC डिपार्टमेंट के पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर कारिया मौजूद हैं, आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं ये चलान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम कारिया। जी कारिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर कैमरा ये चलान कर देता है तो उसके बाद आपका क्या काम होता है? चलान जब हम कैमरा ने एक दफ़ा ये चलान कर दिया, उसके बाद हमारे पास वो पिक्चर आती है, हम उसको वेरीफाई करते हैं। अब उसमें हम वेरीफाई करते हैं कि आया वायलेशन जो कैमरे ने कैप्चर किया है वही वायलेशन है या कोई और वायलेशन बन रही है, क्योंकि कैमरा तो ऑटोमेटिक चलान करता है, तो हम एज अ पर्सन हम उसे चेक करते हैं। उसके बाद हम वायलेशन चेक करते हैं, वायलेशन में आया जो नंबर कैमरे उसने दिया है वो वेरीफाई करते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है, जो मॉडल जो व्हीकल आ रही है XI से डाटा हमारे साथ लिंक होता है जो आ रही है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो कैमरे ने वायलेशन किया है बिल्कुल एक्यूरेटली किया, कहीं उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई और वायलेशन तो नहीं बन रही, उसके बाद हम उसको वैलिड करते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि नंबर प्लेट पर कोई ब्लैक पेपर लगा दे तो कैमरा चलान नहीं पकड़ता, ऐसा है? बिल्कुल डिटेक्ट करता है, और ये बिल्कुल गलत बात है कि आप कुछ भी इसके ऊपर अपनी नंबर प्लेट पर ब्लैक पेपर लगा लें या इस तरह से, तो हमारा कैमरा डिटेक्ट करता है और उनके चलान भी होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कारी, अपना कीमती वक्त देने का, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। थैंक यू।